Hello, my dear young scholars, my dear friends. Good evening to all of you, and you are most welcome in my channel Naya Thoughts in English. And myself Renu, और मैं आपको explain करने जा रही हूँ. Starting से मैंने the ant and the cricket का पहले explanation दिया poetic devices का, और अब मैं आपको explain करने जा रही हूँ third poem the last bargain. मैंने जितने भी reading material थे वो telegram पर post कर दिए हैं, और आप comment section में जाकर इसका जो link है उसको click करके सारा reading material ले सकते हैं. एंड बिसाइड्स इट, मैंने कम्युनिटी के ऊपर फर्स्ट पोम का वन शॉट पोएटिक डिवाइसेस डाल दिए हैं. उस स्टेंजा वाइज उसके पोएटिक डिवाइसेस हैं, और यू पीपल कैन गो टू द कम्युनिटी एंड वॉच इट. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट, आई एम गोइंग टू द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द थर्ड पोम द लास्ट बार्गेन, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर. ओके, नाउ फर्स्ट इसका जो स्टेंजा है, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पोम है ये फ्री वर्स में लिखी हुई पोम है, क्योंकि इसमें कोई भी राइमिंग वर्ड्स इसमें नहीं है, राइम स्कीम इसमें नहीं है, कोई भी ऐसे वर्ड नहीं है सेंटेंसेस के लास्ट में जो कि क्रिएट करते हो रिदम या म्यूजिक को क्रिएट करते हो. ओके, नाउ फर्स्ट स्टेंजा है हमारा स्टार्ट यहाँ से. फर्स्ट स्टेंजा पर आइए आप, यहाँ कम से लेकर के और बट तक हमारा फर्स्ट स्टेंजा है. ओके, सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट लाइन के अंदर ही जो लेते हैं वो है एंजेम्बमेंट. एंजेम्बमेंट मैंने आपको लास्ट अपनी क्लास में ही बताया था कि एंजेम्बमेंट का मीनिंग होता है द सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूस टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ ब्रेक. बिना ब्रेक के जो सेंटेंसेस होते हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर भी कॉन्टिन्यू होते हैं, और बिल्कुल फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो कुछ ऐसा ही सेंटेंस है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन में कंप्लीट नहीं होता, ये जाकर नेक्स्ट लाइन में कंप्लीट होता है, इसे ही एंजेम्बमेंट कहते हैं. कम एंड हायर मी आई क्राइड व्हाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, ये यहाँ कंप्लीट होता है, तो इसके अंदर एंजेम्बमेंट है, और एंजेम्बमेंट आपको थ्रू आउट पोम के अंदर देखने को मिलेगा. जहाँ सेंटेंस इनकम्प्लीट है वो नेक्स्ट लाइन में कंप्लीट होते हैं, तो इट विल बी एंजेम्बमेंट पोएटिक डिवाइस. ओके, नाउ अब इस वाले पर्टिकुलर स्टेंजा के अंदर और भी पोएटिक डिवाइसेस हैं. नेक्स्ट इज रिपीटेशन. रिपीटेशन में आप देखेंगे कि वर्ड हायर, और फिर उसके बाद में आप आइए यहाँ पर शैरिएट, अगेन यहाँ पर हायर, हायर दो दो बार आ गया यहाँ पे, और फिर देखिए यहाँ पर शैरियट भी दो दो बार आ गया, और फिर उसके बाद देखते हैं हम वर्ड पावर यहाँ पर भी है और पावर उसके नीचे भी है. तो इस स्टेंजा के अंदर रिपीटेशन है, और रिपीटेशन में दो दो बार एक वर्ड आया है, हायर भी दो बार आया है, शैरियट भी आया है, और पावर भी दो बार आया है, तो ये पोएटिक डिवाइस बना रिपीटेशन. नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन का मीनिंग हुआ रिपीटेशन ऑफ अ लेटर एट द स्टार्ट ऑफ नियरली प्लेस्ड वर्ड्स, और यहाँ पर ये देखेंगे हम एलिट्रेशन में, ये देखिए ही और हेल्ड, इसमें ही एच से स्टार्ट और हेल्ड भी एच से स्टार्ट, तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ, एलिट्रेशन. ओके, एजोनेंस मैंने बताया आपको कि जो एजोनेंस होता है इट इज़ द प्रोमिनेंट साउंड ऑफ वोवल, तो यहाँ फोर्थ लाइन पर आएंगे हम, वन टू थ्री फोर्थ लाइन पर आएंगे, तो इस लाइन के अंदर मैं इन सबको हटा रही हूँ. नेक्स्ट लाइन देखिए यहाँ पर विल, हायर, विद, यहाँ पर कौन सा है, आई, आई और आई, आई एक वोवल है, आई एक वोवल है, तो यहाँ पर वोवल की जो है वो रिपीटिशन यहाँ पर हो रही है. ओके, तो यहाँ पर वोवल की रिपीटिशन है, देखिए हायर में भी, विल में भी और विद में भी. ओके, तो ये है एजोनेंस. एजोनेंस मीनिंग द प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द वोवल. अब इसी नेक्स्ट वाले, इसी वाली लाइन के अंदर कॉन्सोनेंस भी है. कॉन्सोनेंस का मीनिंग द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट. यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ आ गया हेल्ड में डी, और उसके हैंड में डी, एंड में डी, सैड में डी, तो यहाँ पर डी एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस भी है, एक ही लाइन में एजोनेंस और एक ही लाइन में
कॉन्सोनेंस। ओके, एक इमेजरी यहाँ पर है। इमेजरी बड़ा इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस होता है। इसको थोड़ा पहचानना ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम जब भी कोई लाइन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट जब हो जाती है, जैसे कि थर्ड लाइन पे हम जाएंगे, स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, अपने हाथ में तलवार लेकर राजा रथ पर आता, तो एक दिमाग में इमेज आती है राजा की तलवार लिए हुए रथ पर आने की। यहाँ पर इस लाइन के अंदर जो है वो कौन सा पोएटिक डिवाइस है, दैट इज इमेजरी। ओके, नाउ नेक्स्ट पर आएंगे सिंबोलिज्म। इसमें सिंबोलिज्म जो है वो, यहाँ सिंबोलिज्म का मीनिंग कि कौन सी चीज़ किसका प्रतीक है। ओके, तो यहाँ पर स्टोन पेव्ड रोड जो है वो प्रतीक है, वो सिंबल है किसका, डिफिकल्टीज का, हार्डशिप्स का। ओके, नाउ इसमें एक वर्ड और आया है मॉर्निंग, इट इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ होपफुलनेस, कि जो स्पीकर है वो निकलता है किसी जॉब के लिए कि कोई उसे हायर कर ले, तो यहाँ पर मॉर्निंग जो है इट इज़ अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, होपफुलनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट स्टैंजा पे हम आएंगे, बट हिज पावर, नाउ नेक्स्ट स्टैंजा पर आ जाइए, ये देखिए यहाँ से, नाउ इन द, यहाँ इन द हीट से लेकर के ही वेट तक। ओके, तो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट स्टैंजा है, तो ये नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर हम जाते हैं, तो ये यहाँ पर इन द हीट से लेकर के और ही वेट तक। ओके, तो नाउ इसके अंदर भी हम क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के अंदर आपको पता है रिपीटेशन ऑफ द लेटर होता है, ही वेड हिज, नाउ इसमें ये देखिए यहाँ पर ही वेड हिज, ही एच यहाँ भी आ गया और एच यहाँ भी आ गया। ओके, यहाँ पर रिपीटेशन है किसी की इसी लाइन में वन और वन की। ओके, ये वन जो वर्ड है इसकी रिपीटेशन है। नाउ नेक्स्ट पर अगर हम आते हैं तो सिंबोलिज्म है, बैग ऑफ गोल्ड जो है वो सिंबल किसका है, वो सिंबल है बहुत सारी वेल्थ का, बहुत सारे रुपयों पैसों का। ऐसे ही क्रूक्ड लेन किसका सिंबल है, ये सिंबल है क्रूक्ड लेन डिफिकल्ट पाथ का। ओके, डिफिकल्ट रोड का, कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन, क्रूक्ड का मीनिंग होता है इट इज ट्विस्टेड। ओके, तो यहाँ पर अगेन एजोनेंस है इसी में, ये पीछे भी हमने एजोनेंस इसको डिस्कस किया था, यहाँ पर आई अल्फाबेट, आई वॉवल जो है उसको, उसकी रिपीटेशन लगातार बनी हुई है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा, आप नेक्स्ट स्टेंजा पे आ जाइए, नेक्स्ट स्टेंजा पे आएंगे हम, तो इट वॉज इवनिंग से लेकर, ये जो स्टेंजा है वो है इट वॉज इवनिंग से लेकर के और हर स्माइल पेल्ड तक। अब यहाँ पर आ जाइए, स्माइल जो वर्ड है ये दो बार आया हुआ है इसमें, यहाँ पर भी आया हुआ है, स्माइल जो है वो एक सिंबल है किस चीज़ का, सिंबल है वो ब्यूटी का। ओके, नाउ एजोनेंस अगेन वॉवल आई की रिपीटेशन है, यहाँ पर देखिए ये लगातार तीनों में आया हुआ है, लगातार तीनों चारों स्टैंजा के अंदर ये आया हुआ है, रिपीटेशन है यहाँ पर स्माइल वर्ड की, एक वर्ड ऊपर भी है स्माइल और एक वर्ड नीचे भी है। ओके, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस और एजोनेंस जो है वो लगातार इसमें आया हुआ है, एल और ई, हर में स्माइल पेल्ड, यहाँ देखिए हर स्माइल पेल्ड, ई की रिपीटेशन है, ये मैं हटा रही हूँ यहाँ से, आपको क्लियर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए आई, आई जो है एक वॉवल है, यहाँ पर भी है ई की रिपीटेशन, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई और यहाँ भी ई, तो ई जो है एक वॉवल है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, एजोनेंस पोएटिक डिवाइस है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इवनिंग वर्ड दिया हुआ है वो इवनिंग वर्ड जो है होपलेसनेस का सिंबल है। ओके, नाउ अब आपको समझ में आ गया एजोनेंस और एजोनेंस को और हम कॉन्सोनेंस को कैसे जस्टिफाई करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इस पे आ जाइए, नेक्स्ट पर आइए, लास्ट स्टेंजा द सन से लेकर के और ये मेड मी अ फ्री मैन, ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट वाले लास्ट वाले स्टैंजा पे हम आ जाते हैं, तो इमेजरी है यहाँ पर सी बीच की, तो सी बीच की जो इमेजरी है वो कैसी इमेजरी है, कि यहाँ पर द सन ग्लिस्टन, सूर्य चमक रहा है सैंड पर,
सी वेव्स जो हैं वो लगातार वेवर्डली केयरलेस होकर के और वो लगातार रॉक को बीट कर रही हैं, तो यहाँ पर एक इमेज हमारे मन के अंदर जो है वो बन जाती है। ओके, तो यहाँ पर सी बीच की एक बहुत सुंदर इमेजरी है। इसी के साथ ही हमारे पास एलिट्रेशन है, मेड मी अ फ्री मैन, यहाँ पर एम एम और एम, देखिए रिपीटेशन है लेटर की, तो ये एलिट्रेशन है। उसके अलावा ही रियलाइज्ड हिज हैट, ही रेज्ड हिज हैट, देखिए यहाँ पर 1-3 लाइन में ही रेज्ड हिज हैट, यहाँ पर एच एच की रिपीटेशन है। इस स्टैंजा के अंदर एलिट्रेशन बड़ी ब्यूटीफुली पोइट ने शो किया है। और इसके अलावा वेव्स ब्रोक वेवर्डली, यहाँ देखिए नेक्स्ट पर आएंगे आप फर्स्ट लाइन में वेव्स डब्ल्यू और वेवर्डली के अंदर दो दो बार डब्ल्यू आया है, दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन। ओके, नाउ कॉन्सोनेंस, मैं इसको हटा रही हूँ बच्चे, आप कॉन्सोनेंस समझ लीजिए। यहाँ पर डी की जो साउंड है, कॉन्सोनेंट डी की साउंड जो है, ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड, यहाँ देखिए ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड एच, और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर एच की, फिर एच, अगेन एच, और अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर ई भी एजोनेंस भी है, ई की भी बार बार रिपीटेशन है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस और एजोनेंस दोनों हैं। ओके, यहाँ पर सन ग्लिस्टर्ड ऑन द सैंड ऑन द सी वेव्स, एस और एन दोनों की कॉन्सोनेंस का मीनिंग द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, यहाँ पर एस की और साथ साथ में एन की, ये देखिए इस पूरी लाइन के अंदर जो है आपको कॉन्सोनेंस बड़ी ब्यूटीफुली दिखाई देगा एस और एन के साथ में। हमें हमारे पास कॉन्सोनेंट एस भी आता है, कॉन्सोनेंट एन भी लगातार इस लाइन के अंदर आता है। ओके, नाउ रिपीटेशन क्या है हमारे पास में, रिपीटेशन है दो वर्ड्स आए हैं चाइल्ड और यहाँ पर भी चाइल्ड, तो चाइल्ड वर्ड का जो है वो रिपीटेशन लगातार आया हुआ है। ओके, नाउ दिस इज द पोएटिक डिवाइसेस। अब नेक्स्ट वाली पोम का पोएटिक डिवाइसेस मैं लेकर के आऊँगी और यू पीपल कैन वॉच एंड कमेंट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लगातार, मुझे पता है मेरे चैनल को ग्रो करने में आपका बहुत हेल्प है, बहुत सपोर्ट है। और नेक्स्ट वाली वीडियो के पोएटिक डिवाइसेस के लिए गुड लक एंड गुड बाय।